हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल द लेमन मंकी। आज की वीडियो होने वाली है 2017 में एक बहुत ही बेहतरीन मूवी हॉस्टाइल्स के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है स्कॉट कूपर ने और इसमें मेन लीड्स हैं क्रिश्चियन बेल और रोजामंड पाइक। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वेस्टर्न मूवीज़ कभी किसी को डिसअपॉइंट नहीं करती। तो चलिए अब और देर ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1892 के मैक्सिको को दिखा के, जहां रोजली क्वेड नाम की औरत और उसके परिवार को देखते हैं। रोजली अपनी बेटियों को ग्रामर लेसन सिखा रही होती है, तभी वहां कमांची लोगों का एक ग्रुप उनके घोड़ों को लेने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा होता है। उन्हें आते देख रोजली का पति वेस्ली अपनी गन लेने अंदर जाता है और अपनी वाइफ को सभी बच्चों के साथ उधर से पहाड़ी की ओर भागने के लिए कहता है। रोजली वेस्ली से उन्हें घोड़े उनके हवाले करके उनके साथ चलने के लिए कहती है, पर वो अपनी संपत्ति को उन्हें नहीं देना चाहता था, जिस वजह से वो बाहर निकलकर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। पर आग झपकते ही कमांची लोग वेस्ली को ढेर कर देते हैं उसके परिवार की आंखों के सामने, और अपनी जीत को हासिल करने के बाद कमांचिस अपनी रिवाज के चलते वेस्ली का स्कैल्प काटकर रोजली और उसकी बेटियों को दिखाकर और भी टेरिफाइड कर देते हैं, और उसके बाद उन्हें मारने के लिए बढ़ते हैं। उन्हें आते देख वो तीनों पहाड़ी की ओर भागने लगती हैं, लेकिन अफसोस रोजली की दोनों बेटियां इस बीच कमांचिस के हाथों मारी जाती है। रोजली उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और अब बारी थी रोजली को खुद को और उसके बेटे को बचाने की। वो अपने बेटे को लेकर जंगल में जाकर छुप जाती है और कमांचियों के ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलती। लेकिन इसी बीच हम देख पाते हैं कि रोजली के बेटे को भी गोली लग चुकी थी और वो दुनिया से जा चुका था। इसके बाद कमांचीज रोजली के घर को आग लगाकर उनके घोड़े लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं US आर्मी के कैप्टन जोसेफ लॉकर और उसके कुछ साथियों से, जो कि एक अमेरिकन नेटिव आदमी जिन्हें अपाची इंडियंस भी कहते हैं, उसे और उसके परिवार को गिरफ्तार करके फोर्ट बेरिंगर की जेल में डालने के लिए ले जाते हैं। इसके बाद हम रात को जोसेफ और उसके साथी सार्जेंट थॉमस, जिसे जोसेफ टॉमी बुलाता है, उन्हें बात करते हुए देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि वो दोनों बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं, जिसके बाद वो पेंशन का मजा उठा सकेंगे। अगली सुबह जोसेफ को उसका कर्नल अपने कैबिन में मिलने बुलाता है और उसे बताता है कि उनका एक कैदी जिसका नाम येलो हॉक, जो कि एक अपाची इंडियन है, उसे और उसके परिवार को उनकी जेल में सजा काटते हुए 7 साल हो गए हैं, और अब उन्हें पता चला है कि येलो हॉक को कैंसर हो गया है, और अब हॉक की दरखास्त के कारण उन्हें प्रेसिडेंट से ऑर्डर मिला है हॉक और उसके परिवार को रिहा करके उनके घर तक पहुंचाने का, ताकि वो उधर अपनी जिंदगी के आखिरी पल खुशी से बिता सके। जोसेफ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि इनके आर्मी और नेटिव लोगों के बीच हुई पुरानी लड़ाई में हॉक ने कई लोगों को मार दिया था, जिसमें जोसेफ के 2 खास दोस्त भी थे, जिसकी वजह से जोसेफ हॉक और उसकी पूरी कम्युनिटी से बहुत नफरत करता है और उन्हें अपना दुश्मन समझता है। कर्नल उसे कहता है कि वक्त इंसान को बदल देता है और हॉक और उसके परिवार को उनके घर मोंटाना तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी है, क्योंकि वो इस काम के लिए परफेक्ट है, जिसे वो चाहे या ना चाहे निभानी ही पड़ेगी। लेकिन जोसेफ इस काम को करने के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन कर्नल उसे कहता है कि अगर उसने ये ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो वो अपनी पेंशन से हाथ धो बैठेगा और साथ ही में उसका कोर्ट मार्शल होगा। अब जोसेफ के पास और कोई चारा नहीं था, जिस वजह से उसे ये काम करना ही होगा। अब इसी बीच जोसेफ हॉक को देखने जाता है, जहां हमें कई सारे नेटिव लोग जेल में बंद दिखते हैं, और साथ ही हम येलो हॉक को भी पहली बार देख पाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। अब अगले दिन जोसेफ एक टीम तैयार करता है हॉक और उसके परिवार को मोंटाना तक पहुँचाने के लिए, जिसमें होता है उसका दोस्त सार्जेंट थॉमस यानी टॉमी, कॉर्पोरल हेनरी, लेफ्टिनेंट रूडी और प्राइवेट फिलिप, जो कि इन सब में सबसे यंग सोल्जर था। अब जोसेफ के जाने से पहले उसका कर्नल उसे कुछ पेपर्स देता है, जिसमें प्रेसिडेंट की परमिशन थी, जिसकी वजह से जोसेफ और उसके साथियों को एक सेफ पैसेज मिल जाएगा। इसके बाद जोसेफ सबको लेकर मोंटाना की ओर बढ़ जाता है, लेकिन अपने बेस से थोड़ी दूर आते ही जोसेफ हॉक को एक चाकू देकर उसे उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिसमें जोसेफ को यकीन था कि हॉक उसे मारना ज़रूर चाहेगा, लेकिन हॉक उसे लड़ाई के लिए मना कर देता है और जोसेफ से कहता है कि वो मरने से नहीं डरता, जिसका मतलब था कि अगर जोसेफ चाहे तो उसे अभी मार सकता है, लेकिन जोसेफ भी ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन वो हेनरी से कहकर उसके हाथों को चेन से बंधवा देता है, जिसके बाद ये अपना सफ़र जारी रखते हैं, और रात होने पर जोसेफ सबको कहकर कैंप लगवाता है और अगले दिन अपना सफ़र दोबारा शुरू करता है। लेकिन थोड़ी दूर बाद जोसेफ रोजली का जला हुआ घर देखता है, जिसके बाद वो अपने लोगों को पहाड़ी पर कैंप लगाने के लिए कहकर नीचे रोजली के घर का मुआयना करने जाता है, और जोसेफ के अंदर दाखिल होते ही वो रोजली को उसके बच्चों की लाशों के साथ बैठा हुआ पाता है। जोसेफ को देखकर रोजली उसे कहती है कि वो शोर ना करे क्योंकि उसके बच्चे सो रहे हैं। अब इस बात से जोसेफ समझ जाता है कि रोजली बहुत सदमे में है, जिस वजह से वो रोजली को उसके कैंप तक उनके साथ चलने के लिए कहता है,
ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। रोजली कैंप पर आने के लिए तैयार हो जाती है और जोसेफ अपने लोगों के साथ रोजली के बच्चों और उसके हस्बैंड की डेड बॉडीज को भी साथ ले चलता है। अब कैंप पर पहुंचते ही जोसेफ हेनरी से कब्रें खुदवाने के लिए कहता है। तभी चारों नजरें घुमाने पर रोजली येलो हॉक और उसके परिवार को उधर बैठा देखकर डर जाती है, क्योंकि इन्हीं की तरह अपाचे इंडियनों की दूसरी कम्युनिटी के ही कुछ लोगों ने रोजली के पूरे परिवार को मार दिया था। रोजली को डरा देख जोसेफ उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग उसे कुछ नहीं करेंगे। तभी हेनरी उसके बेटी की बॉडी को दफनाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रोजली उसे मना कर देती है ये कहकर कि उसके अलावा उसके परिवार को कोई नहीं दफनाएगा। इसके बाद रोजली रोते हुए कब्रें खोदने लगती है, पर वो खोद नहीं पाती। अब रोजली को इतना ट्रॉमा में देख जोसेफ और सभी लोग उसके लिए बहुत अफसोस महसूस करते हैं और उसके शांत होने पर जोसेफ अपने साथियों को कब्रें खोदने के लिए बोलता है। आगे रात को येलो हॉक का बेटा ब्लैक हॉक और उसकी वाइफ अपने पूरी परिवार की तरफ से एक ड्रेस रोजली के लिए गिफ्ट के तौर में देते हैं और थोड़ी देर बाद टॉमी जोसेफ से पूछता है कि वो लोग रोजली का अब क्या करेंगे। जोसेफ उसे बताता है कि वो लोग उसे विंस्लो शहर तक ले जाएंगे क्योंकि रोजली की हालत ठीक नहीं है। अब रात को सबके सोने के बाद रोजली एक गन लेकर अपने परिवार की ग्रेव की ओर बढ़ती है खुद को मारने के लिए, लेकिन जोसेफ ने उसकी आहट सुन ली होती है इसलिए वो उसके पीछे ही चल रहा होता है और रोजली में भी इतनी ताकत नहीं होती जिससे वो खुद की जान ले सके। जोसेफ उससे गन लेकर उसे दिलासा देता है और रोजली अपने परिवार के पास ही सो जाती है और जोसेफ उसे पूरी रात देखते हुए गुजार देता है। इसके बाद येलो हॉक जोसेफ से बात करने जाता है और उसे बताता है कि कमांची लोग आसपास ही हैं और वो जरा भी परहेज नहीं करेंगे हॉक के परिवार और जोसेफ के लोगों को मारने में। हॉक जोसेफ से उसकी बेड़ियां खोलने के लिए कहता है ताकि वो उन सबकी मदद कर सके क्योंकि वो कमांचियों को मारना भली बात ही जानता है, लेकिन जोसेफ उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि वो उन्हें संभाल लेंगे। आगे कुछ मीलों चलने के बाद वही होता है जिसकी हॉक को चिंता थी। कमांची लोग इन सब पे हमला कर देते हैं जिसमें प्राइवेट फिलिप मारा जाता है और हेनरी बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन इस हमले के बाद भी जोसेफ और उसके साथी कई कमांचियों को मारने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें हॉक और उसके बेटे ने भी इनकी मदद की थी, लेकिन तीन कमांचिस इनके हाथों से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद हॉक और उसका बेटा दोबारा जोसेफ से बात करने आते हैं और कहते हैं कि कमांची लोग इन पे दोबारा हमला जरूर करेंगे और अगर उसने दोबारा उनकी बेड़ियां नहीं खोली तो जोसेफ के और भी साथी मारे जाएंगे। जोसेफ अपने साथियों की हालत देखकर हॉक और उसके बेटे की बेड़ियां खुलवा देता है क्योंकि वो और लोगों को खोना नहीं चाहता था, लेकिन बेड़ियां खोलने से पहले वो रूडी से कहता है कि अगर ये लोग कुछ गड़बड़ करें तो उन्हें तुरंत गोली मार दी जाए। इसके बाद ये लोग अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और रात होने पर एक जगह कैंप लगाते हैं। अब अगले दिन ये सफर के लिए रवाना होते हैं। तभी कुछ देर चलने के बाद जोसेफ रास्ते में बाकी बचे तीनों कमांचियों की लाशों को पड़ा देखता है और समझ जाता है कि इन सब के सोने के बाद इन तीनों को येलो हॉक और उसके बेटे ने ही मारा है। इसके बाद ये लोग विंसो शहर पहुंचते हैं और जोसेफ वहां के कमांडर रॉस से हेनरी को मेडिकल मदद दिलवाने के लिए कहता है। आगे रात को रॉस के घर पे डिनर करते हुए रॉस की वाइफ जोसेफ और रोजली से कहती है कि वो अमेरिकन नेटिव लोगों के लिए परेशान है क्योंकि गवर्नमेंट उन लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करती है और उन्हें वो हक नहीं देती जिनके वो हकदार हैं और साथ ही में गवर्नमेंट ने उनकी जगह को उनसे छीनकर उन्हें दर दर भटकने पे मजबूर कर दिया है। रॉस अपनी वाइफ को बात खत्म करने के लिए कहता है, जिसके बाद जोसेफ उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है रोजली को कुछ दिनों तक उनके साथ रखने के लिए, जिसके लिए वो लोग राजी हो जाते हैं, लेकिन इस बात पर रोजली थोड़ी कंफ्यूज दिखती है। इसके बाद रॉस अकेले में जोसेफ से एक कैदी जिसका नाम सार्जेंट चार्ल्स विल्स जो कि इन्हीं की तरह एक फौजी है उसे उसके साथ फोर्ट पियर्स तक ले जाने के लिए पूछता है जो कि इनकी मंजिल के बीच में ही पड़ेगा। जोसेफ विल्स को ले जाने की वजह पूछता है। तब रॉस उसे बताता है कि विल्स ने पूरे नेटिव परिवार को मार दिया था जिसके बाद वो फोर्ट पियर्स से भाग गया था, लेकिन बाद में वो इनके लोगों द्वारा पकड़ा गया और अब विल्स को वापस फोर्ट पियर्स की कोर्ट में भेजा जाएगा जहां उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। जोसेफ रॉस का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन सफर पर जाने से पहले जोसेफ हेनरी से आखिरी बार मिलता है और उसे एक बहादुर और उसका बेहतरीन सिपाही कहकर चला जाता है। बाहर आते ही रोजली जोसेफ से कहती है कि उसका अभी किसी और के साथ रहना ठीक नहीं है और वो जोसेफ के साथ जाना चाहती है। जोसेफ उसे ले चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं सार्जेंट विल्स को, जिसको फोर्ट पियर्स के बाद असिस्ट करने के लिए रॉस अपने दो सिपाही सार्जेंट मलॉय और कॉर्पोरल थॉमस को साथ भेजता है, जिसके बाद ये लोग उधर से रवाना होते हैं और कुछ मीलों चलने के बाद ये लोग अपना कैंप सेट करते हैं और विल्स को एक पेड़ से बांध देते हैं। इसी बीच हम जान पाते हैं कि जोसेफ और विल्स पास्ट में एक साथ नेटिव अमेरिकन वॉर में लड़े थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अब विल्स जोसेफ से अपने गुनाह की सफाई देता है ये कहकर कि उसने आज तक ऐसे किसी इंसान को नहीं मारा जिसका वो हकदार नहीं था। जोसेफ उसकी इस बात पे कुछ नहीं कहता। अब रात का खाना खाने के बाद रोजली येलो हॉक की बेटी उसके बेटे की वाइफ और बेटे लिटिल बियर के साथ पासी की नदी पे बर्तन धोने जाती है। तभी तीन शिकारी उन तीनों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं।
लिटिल बियर ये बात आकर सबको बताता है, जिसके बाद जोसेफ और सब लोग नदी पर पहुंचते हैं और वहां शिकारियों के घोड़ों के पैरों के निशानों को देखकर उनके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये सब उन तीनों औरतों को बंधा देखते हैं और उनकी हालत देखकर पता लग रहा था कि उन तीनों के साथ रेप हुआ था। जोसेफ और उसके साथी सब उन तीनों रेपिस्टों के टेंट में चुपके से घुसकर उन तीनों को जान से मार देते हैं। अगली सुबह जोसेफ रोजली की हालत पूछकर और येलो हॉक के घर की औरतों के साथ हुए इंसिडेंट पर अफसोस जताकर अपनी जर्नी दोबारा शुरू करता है और आगे मौसम खराब होने पर ये अपना कैंप सेट करते हैं और विल्स को बाहर एक पेड़ से बांधकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जोसेफ के टेंट में जाने से पहले टॉमी उसके पास आकर इनडायरेक्टली उससे अपना नेटिव लोगों को इतने वक्त से मारने का गिल्ट जाहिर करता है, क्योंकि हॉक और उसके परिवार के साथ जो भी अब तक हुआ उसने टॉमी को पास इंसिडेंट सोचने पे मजबूर कर दिया था। अब टॉमी को ऐसे देख जोसेफ हमें काफी परेशान नजर आता है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद टॉमी हॉक के पास जाकर उसकी कम्युनिटी पर किए गए अत्याचारों के लिए उससे माफी मांगता है। आगे रूडी विल्स के पास कॉफी लेकर जाता है उसकी तबीयत पूछने के लिए और विल्स की हथकड़ी खुलते ही वो रूडी पर हमला करके उसे गोली मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। तभी गोली की आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं और रूडी को मरा देखकर टॉमी विल्स के पीछे उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, जोसेफ के मना करने के बाद भी। इसी बीच हम हॉक को सभी के लिए प्रार्थना करते हुए देखते हैं। अगले दिन ये दोबारा सफर के लिए निकलते हैं और थोड़ी दूर बाद ही इन सबको विल्स और टॉमी की डेड बॉडीज मिलती है और टॉमी की डेड बॉडी को देखकर जोसेफ बहुत रोता है, क्योंकि उसने अपने गिल्ट के चलते खुद की जान ले ली थी। जोसेफ को दुख में देखकर रोजली उसे दिलासा देती है। इन्हीं सब के बीच येलो हॉक की भी तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से उसके पास काफी कम टाइम बचा था। अगले दिन जोसेफ हॉक से उसकी तबीयत पूछकर उसे बताता है कि वो लोग बस उसके घर पहुंचने ही वाले हैं। अब हॉक को उसके चंद पलों में देखकर जोसेफ उसके साथ अपनी दुश्मनी को खत्म करके उसकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसे हॉक भी खुशी से एक्सेप्ट करता है। साथ ही में जोसेफ हॉक से बड़ी अच्छी बात कहता है कि हॉक की मौत के साथ जोसेफ का भी एक हिस्सा खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये सब लोग सूर्य ढलने से पहले हॉक और उसके परिवार के घर मोंटाना पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर हॉक बहुत खुश होता है और अगली सुबह तक येलो हॉक इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। जिसके बाद जोसेफ और सभी लोग हॉक को पूरे ब्यूरल के साथ उसकी ट्राइबल लैंड पर उसे दफना देते हैं। इसी बीच एक साइरस नाम का आदमी अपने साथियों के साथ आकर जोसेफ को हॉक की कब्र हटाने के लिए कहता है, क्योंकि ये जमीन उसकी होती है। जोसेफ साइरस से कहता है कि उस जमीन पर हॉक और उसके परिवार का हक है, लेकिन साइरस जोसेफ से कहता है कि कबीलों वालों का किसी भी जमीन पर कोई अधिकार नहीं होता। जोसेफ साइरस को प्रेसिडेंट का ऑर्डर दिखाता है, लेकिन साइरस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो उन सबको धमकी देकर उधर से निकलने के लिए कहता है, लेकिन जोसेफ वहां से जाने के लिए मना कर देता है। और अब बात इतनी बिगड़ चुकी थी जिसके कारण इन सबके बीच गोलीबारी चालू हो जाती है, जिसमें साइरस और उसके कुछ आदमियों के साथ साथ कॉर्पोरल थॉमस, ब्लैक हॉक, उसकी बीवी और बहन भी मारे जाते हैं। और आखिर में हम जोसेफ को साइरस के एक आदमी को अपाचिस की तरह जान से मारते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये लड़ाई का अंत हो जाता है। इसके बाद जोसेफ रोजली और लिटिल बियर के साथ अपने साथियों को उसी जमीन पर दफनाकर उधर से चला जाता है। इसके बाद हम जोसेफ रोजली और लिटिल बियर को रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि रोजली लिटिल बियर को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर शिकागो जा रही होती है और रोजली जोसेफ से उसका शुक्रिया अदा करती है जो भी अब तक जोसेफ ने उसके लिए किया था। अब इस इमोशनल फेयरवेल के बाद रोजली ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जोसेफ का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी और रोजली जोसेफ को ये बात जाहिर किए बिना जाने लगती है। और जोसेफ को भी थोड़ी देर बाद रोजली का प्यार रियलाइज हो जाता है, जिसके बाद वो उस ट्रेन की ओर बढ़कर उसमें चढ़ जाता है, क्योंकि वो भी रोजली की तरह उससे प्यार करने लगा था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना और साथ ही में द लेमन मंकी चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम साथ मिलकर इस चैनल को और आगे ले जा सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे सिनेमैटिक।